देखो हकीमों की सेहत अच्छी होती है ना, बार बार कहता हूं मैं, हालांकि रिसर्च डॉक्टरों की ज्यादा है, हकीमों की रिसर्च कम है। मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है, सेहत डॉक्टरों की इतनी अच्छी नहीं है जितनी हकीमों की। मैंने पिछले बयान में भी कहा, अभी 71 ईयर्स ओल्ड एक हकीम साहब आए थे और हमने उनको मशवरा दिया कि आप एक और शादी करें, फौरन तैयार हो गए, बीवी का इंतकाल हो गया था उनकी, तो और बिल्कुल सही, कोई बीमारी नहीं, ना शुगर ना ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी नहीं, फिट फाट अपनी क्लिनिक में बैठते हैं, वह हैदराबाद में है। और भी कई मैंने हकीम मुरसलीन को देख लें आप, इंतकाल ही नहीं हो रहा माशाल्लाह, अल्लाह और लंबी उम्र दे। मेरी वालदा बचपन में मुझे ले जाया करती थी, 90s की बात है या 80s की, मुझे उस वक्त पैदा हुए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। जब मेरी वालदा मुझे उनके पास लेके जाती थी तो वो बूढ़े थे उस वक्त, सन 2007 में मेरा गला खराब हुआ, ठीक ही नहीं होके दे रहा, एंटीबायोटिक खाई, बहुत इलाज की कोशिश की मगर गला ठीक नहीं हुआ। हकीम मुरसलीन के पास मैं इसलिए नहीं गया, मैंने कहा उनका तो इंतकाल हो चुका होगा, क्योंकि जब उस दौर में मेरी वालदा ले जाती थी वो बूढ़े थे, तो अब कहां बचे होंगे। हमने सोचा कि छोड़ो, मुझे पता है हकीम बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन अब क्या, छोड़ो यार। किसी ने बताया कि जिंदा है, मैं चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं बैठा, उन्होंने नब्ज वब्ज पकड़ी है और मुझे कारमीना लिख के दे दी ये जो आम हाजमे की दवा होती है, और एक दो ऐसी 25 रुपए की दवा दी होगी 2007 में, और मैं ठीक हो गया। दो दिन दवा खाई है, गला सेट हो गया। तो खैर फिर क्या हुआ है, फिर मैं 2014 में, मेरे पेट में कोई बीमारी हुई है, क्या मसला था मुझे अभी याद नहीं कि मलेरिया था क्या था, वल्लाह वालम। तो मैंने कहा अब तो इंतकाल यकीनन, क्योंकि अब बिल्कुल भी चांस नहीं था ना कि यार वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि जब मैं 2007 में गया तो उनके बेटे बूढ़े हो चुके थे जो उनके साथ बैठे हुए थे मतलब में, उनकी दाढ़ियां सफेद हो गई थी। 2014 में मैं जब उनके पास गया तो भाई ये भी दीन से ताल्लुक है इन बातों का, हमारी सेहत का भी तो शरीयत ने कितना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नुस्खे बताए ना सेहत के, तो मैं अगर कोई बात जानता हूं शेयर कर लूं तो मेरा ख्याल है कोई बुरी चीज नहीं है, ये फायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो मैं उनके पास 2014 में गया, मेरा ख्याल था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है, लेकिन गया तो जिंदा माशाल्लाह। फिर क्या हुआ है कि फिर मैं गया हूं पिछले साल या अभी चंद महीने पहले, मैं जब उमरे पे गया था तो वहां गला खराब हुआ, एंटीबायोटिक खाई है, पेट ऐसा खराब हुआ है कि सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना इलाज कराया, इतना पैसा खर्च हुआ, इधर आके एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं पेट के, बड़े मशहूर हैं डॉक्टर, हिंदू डॉक्टर हैं लेकिन बहुत मशहूर आदमी है वो, यहां बैठते हैं करीब में ही, उनके बारे में मशहूर है, जिस पेट के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट। गया हूं, इतना सा भी फायदा नहीं हुआ, रत्ती बराबर भी। हकीम मुरसलीन के पास इसलिए जा रहा था, मैंने कहा था इनका इन्ना लिल्ला, क्योंकि जब 2014 में ये, वो तो इत्तेफाक से गरीबी थी कि जिंदा दरियाफ्त हुए, किसी ने मुझे बताया कि जिंदा है, मैं चला गया, वाकई जिंदा थे। मुझे उन्होंने दवा लिख के दी है, आप यकीन करेंगे 1.5 से 2 दिन लगे मुझे ठीक होने में, मेरा पेट सही हो गया। हालांकि मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुका था, पहले आम जनरल फिजिशियन को दिखाया, जब कहीं ठीक नहीं हुआ तो फिर गया स्पेशलिस्ट के पास, फिर भी ठीक नहीं हुआ। वो हकीम साहब ने दवा भी पता नहीं क्या है, हल्के से चूरन चटनी, कोई ज्यादा कोई महंगी दवा भी नहीं थी, उन्होंने मुझे कहा 1 हफ्ता खानी है, मैंने 2 हफ्ते खाई और ठीक हो गया, उसके बाद में वो दवा खाना भी भूल गया, मुझे याद नहीं, क्योंकि आपने ठीक हो जाता भूल जाता है। तो फिर क्या हुआ है कि जब मैं चंद महीने पहले क्लिनिक से बाहर, उनकी मतलब से बाहर निकल के आया, मैं कहीं जा रहा हूं वापस घर आ रहा, तो एक साहब रास्ते में मिले, उन्होंने कहा यार कोई अच्छा हकीम बताओ, मैंने कहा हकीम मुरसली ने कह रहा उनका तो इंतकाल हो गया बहुत अरसा हुआ, मैंने कहा सब दुनिया में यही समझ रहे हैं मैंने कहा सब यही समझ रहे हैं, मैंने कहा अभी हुआ नहीं है जाओ। ये एक हकीम लियारी में, एक हकीम थे लियारी में भाई, वो मैं मैट्रिक में हूंगा शायद उस वक्त, तो बड़ी शोहरत थी उनकी, तो मुझे वो नजले की प्रॉब्लम थी, मैं जब उनके पास गया तो अक्सर मेरी वालदा भी वहीं जाया करती थी, तो मैंने देखा वो 90-95 साल उनकी उम्र, खड़े खड़े मरीजों का इलाज कर रहे हैं यार, नब्ज चेक कर रहे हैं। मैंने कहा यार इतनी देर आज जवान आदमी नहीं खड़ा हो सकता है,
खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। तो मेडिकल साइंस की रिसर्च यकीनन ज्यादा है, लेकिन नेचुरल लाइफ किसकी होती है, नेचर के करीब कौन होता है? हकीम। तो मैं मकसद मेडिकल साइंस की मुखालफत नहीं है, बड़ी बीमारियों में तो डॉक्टर ही इलाज करते हैं, हड्डी टूट जाए तो फिर हकीम साहब एल्फी से तो जोड़ देंगे, वैसे नहीं जोड़ सकते वो, ठीक है ना। और बड़े जो खुदा न खास्ता किसी को अटैक हो गया तो फौरन उसको लेकर जाएं कहीं डॉक्टर के पास, ऐसा ना हकीम मुरसलीन के पास लेके जा रहे हो तो वो तो हकीम मुरसलीन भी कहेगा भाई इसको तो डॉक्टर फौरन एडमिट कराओ, कोई ऐसी खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी। लेकिन मेरा मकसद यहां बयान करने का डॉक्टरों की अहमियत को कम करना नहीं है, नेचर की अहमियत को बयान करना है। क्योंकि हकीम लोगों की दवाएं केमिकल से पाक होती हैं, जो सही हकीम है जड़ी बूटियां हैं, यानी वो फितरत के ज्यादा करीब हैं, इसलिए उनके साइड इफेक्ट बोलो भाई कम है। फिर वो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी, डॉक्टर साहब रात को 4 बजे तो क्लिनिक बंद करके आ रहे होते हैं, और आते भी कैसे, कुत्ते उनको घर छोड़कर आते हैं। वो एक हमारे दोस्त थे, वो इसी तरह आया करते थे, डॉक्टर थे, तो पूरी रात रास्ते में कुत्ते भौंक रहे होते थे उनके पीछे, इतनी लेट नाइट आते थे। फिर सुबह फिर सिगरेट भी पी रहे होते हैं बहुत से डॉक्टर, तो फिर एंटीबायोटिक के अपने मुजिर असरात हैं, उसके साइड इफेक्ट अलग हैं। तो इसलिए नेचुरल जो नेचर है, सुबह सुबह उठ के वर्जिश करो, प्यास लग रही है तो पानी पियो, भूख लग रही है तो खाना खाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान ने सेहत का ऐसा बेहतरीन नुस्खा बयान किया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो हद से तजावज मत करो, एतदाल से खाओ एतदाल से पियो। मसला खराब होता है जब हम हुदूद से तजावज करते हैं, खाना ऐसे खाते हैं कि इसके बाद दुनिया में कभी हमें खाना देखने को नहीं मिलेगा, पानी भी ऐसे पीते हैं कि पूरे पूरे जग पीते, प्यास लग रही होती है तो तमीज से भाई एक गिलास पियो, थोड़ी प्यास बुझ जाएगी, फिर दोबारा प्यास लगे तो फिर पी लेना। इफ्तारी में देखें ना पूरे पूरे जग कैसे उंडेलते हैं, तो हर चीज़ तमीज